नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की तैयारी में जुटी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दो बच्चे ही अच्छे का संदेश घर घर पहुंचाएगी। इसके लिए 27 जून से अभियान शुरू हो रहा है जो अगले महीने जुलाई भर जारी रहेगा और इसके तहत दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा 27 जून से 10 जुलाई तक चलेगा, जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। दंपति संपर्क पखवाड़े के दौरान आशा वर्कर अपने अपने क्षेत्र में दंपतियों को चिन्हित करेंगी। ऐसे दंपति जिनके दो या उससे अधिक बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग की जाएगी। वही नव दंपतियों को हम दो हमारे दो से क्या लाभ है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही उन्हें परिवार नियोजन से संबंधित क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं यह भी बताया जाएगा। आपको बता दें कि जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के दौरान प्रचार के लिए मोबाइल वैन चलाई जाएगी और गांव-गांव लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं 11 जुलाई से शुरू होने वाले जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की भी तैयारी कर ली गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें दो बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अभिषेक। तो अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से सरकार इस मिशन पर काम करेगी। बिल्कुल प्रिया, आपसे बताना चाहेंगे, जनसंख्या का मामला एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय है जिसको लेकर सरकारें लगातार कार्य कर रही हैं। वहीं असम, राजस्थान और क्या कहते हैं गुजरात की सरकारें जो है क्या कहते हैं इस विषय पे तमाम जानकारियों को इकट्ठा करेंगी। ऐसा क्या सिस्टम बनाया जाए जिससे कि इसको जनसंख्या वृद्धि को काबू में किया जा सके। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार भी क्या कहते हैं एक विशेष अभियान चला रही है, दो बच्चे ही अच्छे लेकिन घर घर संदेश पहुंचा रही है। 27 जून से अभियान को शुरू किया जा रहा है क्योंकि जुलाई तक चलेगा। इसमें आशा बहनें जो होंगी वो घर घर जाके बताएंगी, लोगों को जागरूक करेंगी। तो हाल फिलहाल में भी जागरूकता के तौर पे इसको चलाया जा रहा है जब तक कि कोई नया प्रॉपर कानून इस पर ना बन जाए। जी प्रिया, अगर ये बात की जाए कि संदेश कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है कि लोगों तक ये बड़ा संदेश पहुंच सके। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, तमाम ऐसे विभाग हैं जो इस पे कार्य कर रहे हैं। जैसे आप बाल विकास पुष्टाहार विभाग है जो जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, एनएम होती हैं और क्या कहते हैं घर घर जाके समझाने की सुपरवाइजर होती हैं। तो गांव गांव घर घर जाके समझाने के लिए और तमाम मोबाइल वैन से और क्या कहते हैं होर्डिंग पोस्टर तमाम ऐसे माध्यमों से, रेडियो के माध्यम से सरकार इस चीज के लिए जागरूकता फैलाई कि दो बच्चे ही अच्छे जो अपना एक इनका स्लोगन है उसको लेकर चलेगी। जी जी, अगर अभिषेक बात की जाए और किन राज्यों में इस तरह के अभियान की जो तैयारियां हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे असम, राजस्थान और क्या कहते हैं गुजरात, तीन ऐसे राज्य हैं जिसमें क्या कहते हैं इसको लेकर चल रहा है। जिसमें खास करके असम की बात करें तो असम में इसको लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री ने तमाम ऐसे प्लान भी किए हुए हैं कि क्या कहते हैं प्रॉपर इसको लेकर के इम्प्लीमेंट किया जाए। उसी क्रम को देखते हुए तीनों राज्यों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी इस चीज की नई पहल की जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़े थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से आखिर 27 जून से यह अभियान शुरू हो रहा है जो अगले महीने जुलाई भर जारी रहेगा। और आपको बता दें कि इसके तहत दंपति संपर्क पखवाड़ा 27 जून से 10 जुलाई तक ये चलाया जाएगा और जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। और दंपति संपर्क पखवाड़े के दौरान आशा वर्कर अपने अपने क्षेत्र में दंपतियों को चिन्हित करेंगे और ऐसे दंपति जिनके दो या उससे अधिक बच्चे हैं और उनकी काउंसलिंग भी इसके दौरान की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में दो दिन चली मैराथन बैठकों के भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। योगी कैबिनेट के मंत्रियों से विभागीय उपलब्धियों का ब्यौरा लेते हुए राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने संतोष जताया है कि आखिरकार ये तय हुआ कि मोदी योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड ही मिशन 2022 में भाजपा का ट्रंप कार्ड यानी तुरुप का इक्का होगा। जी हां, इसे लेकर ही प्रभारी मंत्री और संगठन पदाधिकारी जनता के बीच जाएंगे। विपक्ष जो नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है उसे बेअसर कर जनता को फील गुड कराना है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आए बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने मंगलवार शाम को प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। सोमवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई और बैठक में भी सरकार के कामकाज की समीक्षा कर चुके इन राष्ट्रीय नेताओं ने बारी बारी से सभी कैबिनेट मंत्रियों से उनके विभाग की जनहित की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में पूछा और साथ ही जानकारी ली कि किस किसने सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोद लिए हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने देश और दुनिया में भारी तबाही मचाई है। बीमारी के इस भीषण काल में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनों को किसी न किसी बीमारी की वजह से खोया है। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में स्थित शमशान स्थल को कोविड से ग्रसित मरीजों की मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन द्वारा चयनित किया गया था। जानकारी के अनुसार अप्रैल और मई 2021 के महीनों में इस शमशान स्थल में 418 अंतिम संस्कार हुए। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहां पर अभी भी 90 से 100 के करीब अस्थि कलश अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। मानव उपकार संस्था के प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी शमशान पर 90 से 100 लोगों के अस्थि कलश रखे हुए हैं। इन सभी लोगों के परिजन अभी तक इन अस्थि कलश को लेने नहीं आए हैं। लोगों को इस बाबत सूचना भी दी गई कि लेकिन वह फिर भी नहीं आ पाए और हमारा यही है कि अब कोविड की लहर थोड़ी कम की हो गई और तो उन लोगों के परिजनों को आकर अपने परिजनों के अस्थि कलश को ले जाना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 15 सितंबर तक हम लोग परिजनों का इंतजार करेंगे, उसके बाद हमारी संस्था इन सभी अस्थियों का विधि पूर्वक विसर्जन करेगी। वहीं सीतापुर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी चेक किया गया। डीएम ने मौके से ऑक्सीजन प्लांट को भी चेक किया, साथ ही निर्देश दिया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखकर चेतावनी दी गई कि प्लांट में मशीनों की स्थापना सही से की जाए और लोगों को कोविड के लिए जागरूक किया जाता रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधु गैरोला, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र में पानी को लेकर हुए विवाद में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक की हत्या की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी पुवाया नवनीत नायक भी भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मौके का गहनता से निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि परिजनों द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी घटना की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मैनपुरी के थाना इलाऊ क्षेत्र में जमीन के लालच में एक व्यक्ति ने अपने ससुर की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आपको बता दें हत्या के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसपी और सीओ सिटी ने घटना स्थल का मुआयना करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज हो गया है, आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवेरे पुलिस को सूचना मिली थी कि अलाउ थाने में बसावपुर गांव में दामाद ने अपने ससुर की हत्या कर दी है। तत्काल फोर्स मौके पर पहुंची, सीओ सिटी और अन्य अधिकारीगण मौके पर हैं। इसमें अभी प्रथम दृष्टया इसमें जानकारी में आया है कि जो मृतक था हरिप्रसाद, उसकी दो लड़कियां थीं और कुछ 10 बीघे जमीन थी जिसको लेकर के विवाद था दोनों दामादों के बीच में। इसी पर जो एक दामाद जो कि कुछ दिनों से आकर के रह रहा था, मोहर सिंह नाम का है, उससे रात में कुछ विवाद हुआ, फिर उसने फावड़े से। वहीं जबरन धर्म परिवर्तन मामले में यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिल चुकी है। वहीं प्रदेश में धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद कानपुर के एक युवक का नाम सामने आ रहा है जो खुद धर्मांतरण का शिकार हो गया है। युवक के परिवार वालों ने बताया कि वो कल ही हैरत अंगेज तरीके से घर लौट आया है। युवक के पिता राकेश गुप्ता ने बताया कि इसी साल
मार्च से आदित्य गायब हुआ था और बीच में उसने वीडियो कॉल कर बताया कि वो केरल में है और वहां काम कर रहा है। पिता के मुताबिक उसके बैंक अकाउंट में देश के बाहर से 7,000 रुपए भेजे गए थे। युवा के पिता ने दावा किया कि उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया गया है और वो लालच में आ गया है। फिलहाल वो इस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क में है। रुक करते अगली खबर की ओर। जालौन में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मामले का खुलासा कर दिया है। जी हां, पुलिस ने फरार चल रहे हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि साल 2017 में माधौरगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक का शव पड़ा मिला था, जिसकी शिनाख्त बांदा निवासी युवक इमरान के रूप में की गई थी, जिसके बाद मृतक के पिता ने माधौरगढ़ थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह इस मामले का हत्यारोपी राजू व उसकी पत्नी साधना अभी फरार चल रहे हैं। और आपको बता दें कि इनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और अब फरार हत्यारोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 17 दर्ज कराई गई थी और दौरान विवेचना मृतक जो कि अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी, उसकी पहचान इमरान सन ऑफ लाल खान निवासी बांदा के रूप में हुई। विवेचना के दौरान ही साक्ष्य के आधार पर राजू और साधना का नाम प्रकाश में आया और लेटर ऑन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने इन पर 25,000 का इनको इनामिया घोषित किया। इससे पहले हमारी माधवगढ़ पुलिस टीम द्वारा साधना को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब दिनांक 22/6/2000। वहीं बुलंदशहर में न्याय न मिलने पर एक महिला ने एसएसपी दफ्तर में परिवार के साथ सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी थी। परिवार के साथ सामूहिक आत्मदाह की सूचना पर एसएसपी दफ्तर छावनी में तब्दील कर दिया गया और महिला के एक फोन कॉल ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी, लेकिन गनीमत रही कि महिला नहीं आई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने राहत की सांस ली है। बुलंदशहर में डीएम रविंद्र कुमार के आदेश पर पेट्रोल पंप पर छापेमारी की गई। डीएम के आदेश पर डीएसओ ने छापेमारी करते हुए कार्रवाई की है। ऑनलाइन मिली शिकायत के बाद डीएम ने पेट्रोल पंप के खिलाफ एक्शन लिया है। पेट्रोल पंप के खिलाफ मिली सूचना पर उसे सील कर दिया गया है। डीएम ने कहा कि घटतौली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, शिकायत आई थी कि एसआर पेट्रोल पंप छतारी लाइसेंस निरस्तीकरण के बावजूद भी ऑपरेट कर रहे हैं। जनवरी 2021 में उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था, तो यहां से हमने एक टीम भेजी, छापा मारा गया और शिकायत सही। वहीं औरैया के बिधुना कोतवाली क्षेत्र राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने वाले अपराधियों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। जी हां, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सामपुर ग्राम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान राष्ट्रीय पक्षी मोर के शव के अवशेषों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए 3 आरोपियों को खिलाफ धारा 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही पक्षियों के अवशेषों को जांच के लिए भी भेज दिया गया है। मांस को पका रहे हैं, इस सूचना पर तत्काल दिजुना पुलिस पहुंची वहां पर और वहां से पकाते हुए 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया और साथ ही मांस को बरामद किया गया। निमानसार डॉक्टर के माध्यम से करके ये प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। और राकेश, वही अलीगढ़ के थाना गभाना इलाके में प्लांट में भरे पानी निकालने को लेकर जमकर विवाद हुआ। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि मौके पर पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। वहीं इस दौरान अवैध असलहों से फायरिंग भी हुई। पूरे मामले का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद भी कर लिया गया, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना में बताया गया है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत भी की गई और पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर एसएसपी दफ्तर पर एक पीड़ित पक्ष पहुंचा। वहीं इस मामले पर एसपी देहात शुभम पटेल ने बताया कि थाना गभाना इलाके में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद सामने आया है, जिसमें पीड़ित पक्ष द्वारा एक वीडियो पथराव और फायरिंग का उपलब्ध कराया गया है। वीडियो और शिकायत पत्र के आधार पर संबंधित थाने में
मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। मामले की गहनता से जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हुआ पथराव फायरिंग, ये क्या है सर पूरा मामला? देखिए, गवाना क्षेत्र में ये आज से लगभग 15 दिन पूर्व की घटना है, जिसमें दो पक्ष हैं, उनका जमीन को लेकर विवाद था और उन्हीं में दोनों पक्षों के बीच आपस में मारपीट भी हुई और इसी संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है। तो इसमें पुलिस ने उनका दोनों पक्षों का मेडिकल करा के उनमें से जो जिसके यहाँ हमला हुआ था उसकी वादी की तहरीर पर FIR पंजीकृत कर ली है। वहीं आगरा में कुछ दिन पहले ADA द्वारा मंदिर परिसर से अतिक्रमण हटाया गया था। इस पर कुछ लोगों ने मूर्ति की मांग को लेकर आत्मदाह का प्रयास किया। जिला मुख्यालय पर केरोसिन डालकर कुछ लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। यहां पर पुलिस ने आत्मदाह करने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया है, साथ ही इन लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम TV।